हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ गर्मियों के तीन सुपर इजी शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं तीन सुपर इजी शेक। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले स्ट्रॉबेरी सोया पैशन। स्ट्रॉबेरी सोया पैशन बनाने के लिए हम ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें तीन से चार स्ट्रॉबेरी कटी हुई डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी को मैंने वॉश कर लिया है और एक चम्मच चीनी डालेंगे, हाफ चम्मच स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे, तो आप कोई भी ब्रांड का सिरप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गिलास शेक बनाने जा रही हूँ। अब ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगाकर हम इसे ब्लेंड करेंगे। एक गिलास शेक बनाने के लिए एक टेट्रा पैक सोया मिल्क डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है और साथ ही दो तीन आइस क्यूब्स डाल देंगे और फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। रिफ्रेशिंग शेक बनकर तैयार है। और अब एक लॉन्ग गिलास लेंगे और उसमें इस शेक को डालकर सर्व करेंगे। तो आइए बनाते हैं गर्मियों के लिए दूसरा सुपर इजी शेक। तो दूसरा शेक है बिस्किट शेक। तो इसके लिए मैंने चार बिस्किट लिए हैं। मैं एक गिलास शेक बनाने जा रही हूँ और एक गिलास शेक के लिए मैंने चार बिस्किट लिए हैं। आप अपने बच्चों के फेवरेट बिस्किट ले सकते हैं। अगर बच्चों को चॉकलेट बिस्किट पसंद है तो आप चॉकलेट बिस्किट यूज कर सकते हैं। तो बिस्किट को रफली तोड़कर हम मिक्सी के जार में डालेंगे। जब भी हम बिस्किट लेकर आते हैं, पैकेट खोलते हैं, तो उसमें से कई बिस्किट टूटे हुए निकलते हैं या फिर बिस्किट का चूरा हो जाता है। तो आप एक डिब्बी में उन टूटे हुए बिस्किट को रख सकते हैं, चूरे को भी इकट्ठा करके रख सकते हैं और फिर उसको इस शेक में यूज कर सकते हैं। तो एक गिलास शेक के लिए मैंने एक चम्मच चीनी डाला है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो एक गिलास बनाने के लिए मैंने एक गिलास दूध लिया है, तो उसको भी डाल देंगे और इसको चर्न करेंगे। इन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब शेक को हम ठंडा सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आइस डाल रही हूँ और फिर से एक बार मिक्सी को चला लेंगे। टेस्टी बिस्किट शेक बनकर तैयार है। शेक को सर्व करने के लिए एक लॉन्ग गिलास लेंगे और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लेकर हम गिलास को डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप इसकी जगह रूह अफ़ज़ा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गिलास को डेकोरेट कर लेंगे और फिर हम इसमें शेक डालेंगे, तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा। तो टेस्टी बिस्किट शेक बनकर तैयार है, तो आप इसे अपने बच्चों को पिलाएं। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे सुपर इजी शेक की तरफ। तो इसके लिए एक टेट्रा पैक सोया मिल्क लेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चोको सोया शेक। तो ब्लेंडिंग जार में सोया मिल्क डालेंगे, हाफ चम्मच कोको पाउडर और एक चम्मच चीनी, हाफ टी स्पून हम इसमें वनीला एसेंस का डालेंगे और फिर एक चम्मच हम इसमें चॉकलेट सिरप का डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हर्षे का चॉकलेट सिरप यूज किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो इन सबको हम ब्लेंड करेंगे। थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर हम दोबारा से एक बार मिक्सी चला लेंगे। चोको सोया शेक बनकर तैयार है। बच्चों को ये शेक बहुत ही पसंद आता है। शेक को सर्व करने के लिए हम एक कांच का लॉन्ग गिलास लेंगे और फिर चॉकलेट सिरप से हम गिलास को कोट करेंगे। तो इस तरह से चम्मच में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लेंगे और फिर इसको गिलास में रखकर गिलास को घुमा देंगे। तो इस तरह से हम गिलास को कोट करेंगे और फिर हम इसमें शेक डालेंगे, तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा।
ये तीनों शेक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। और फिर चॉकलेट स्प्रिंकल से हम इसको डेकोरेट करेंगे। चोको सोया शेक बनकर तैयार है। गर्मियों के लिए तीन सुपर इजी शेक की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।